अंबाला एसटीएफ की टीम ने दिल्ली के गोगी गैंग के दो शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने 24 सितंबर को करनाल के जंझाड़ी में व्यापारी जय भगवान की 29 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। वारदात को आसानी से अंजाम देने के बाद बदमाश यमुनानगर के कमानी चौक स्थित कोचिंग सेंटर पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे। दोनों बदमाशों को एसटीएफ ने करनाल के CI-1 के हवाले कर दिया। पुलिस रिमांड पर लेकर बाकी गिरोह के बाकी सदस्यों का पता लगाएगी। एसटीएफ अंबाला ने गोगी गैंग के बदमाश गुर्गे सोनीपत के आदर्श नगर निवासी चिराग उर्फ अंशु और अपचारी बालक को किया अंबाला क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। बताते हैं कि झंझाड़ी 24 सितंबर को करनाल के झंझाड़ी गांव में दुकान में बैठे 64 वर्षीय जय भगवान को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। 29 गोलियां लगने की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में की गई थी। इस वारदात के बाद विदेश में बैठे अंजन थली पूर्व सरपंच के बेटे सागर चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर व्यापारी की हत्या कराने की जिम्मेदारी ली थी, जिसने खुद को दिल्ली के गोगी गैंग का सदस्य बताते हुए अन्य लोगों की हत्या करने की भी धमकी दी थी। गैंग वार में अब तक 3 लोगों की हत्या हो चुकी है। CI-1 करनाल की टीम दोनों बदमाशों को रिमांड पर लेकर गैंग के अन्य सदस्यों का पता लगाएगी। वहीं आपको आगे बताते हैं, ददूपुर के पिंटू के मर्डर में उसका और उसके भतीजे गोल्डी उर्फ कपूर उर्फ जय भगवान का नाम आने पर अंजनी थली के नरेश ने गांव के ही अपने साथी सुनील उर्फ लीला मुंदली निवासी राहुल सोनू और अंजनी थली के लवप्रीत और अन्य लोगों से मिलकर दुकान पर धर्मवीर और भाई जय भगवान और भतीजे गोल्डी पर गोलियां चलाई थी। इस मामले में धर्मवीर के भाई जय भगवान ने आरोपियों के खिलाफ सदर थाने में 27 दिसंबर 2019 को केस दर्ज कराया था, जिसमें शिकायतकर्ता जय भगवान मुख्य गवाह था। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आ रहा है कि एक तरफ दिल्ली का गोगी गैंग तो दूसरी तरफ ददूपुर का कृष्ण गैंग आमने सामने है। बताते हैं कि झंझाड़ी में मारे गए जय भगवान के बेटे गोल्डी उर्फ कपूर का नाता मोस्ट वांटेड कृष्ण ददूपुर गैंग से है। पुलिस की जांच में यह भी सामने आ रहा है कि उसने नरेश के साले ददूपुर खुर्द निवासी विकास उर्फ पिंटू की रैकी कर बदमाश कृष्ण ददूपुर को सूचना दी थी। इसके बाद बदमाशों ने उसके साले को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने गोल्डी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाद में वह जमानत पर बाहर आ गया। तब से ही नरेश बदला लेने का योजना बना रहा था। इन दिनों नरेश के विदेश में होने की भी बात सामने आ रही है। नरेश अपने शूटरों से पहले भी गोल्डी और उसके पिता जय भगवान तथा चाचा धर्मवीर पर गोलियां चलवा चुका है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया पहरी डिजिटल चैनल को। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।